जो मेरा बैकग्राउंड है वो बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करती हूँ मैं, तो मेरी फैमिली वालों ने ऊपर से थोड़े आस पड़ोस के जो लोग थे वो बोलते थे कि जो डांसर लड़की नहीं डांसर बन सकती, क्योंकि डांस में कुछ लोग डांस को ना बहुत अलग अलग तरीके से लेते हैं। राम राम सिंह भैया ने, मैं आपका दूसरा औला जयपुरी स्वागत है मैं चैनल में। दोस्तों, टैलेंट और हुनर हर एक इंसान के अंदर होता है, लेकिन इस टैलेंट और हुनर की भी कदर कुछ ही लोग समझ पाते हैं और कुछ ही समझने के बाद में आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन अक्सर हमने ये देखा है कि जिस बच्चे के अंदर टैलेंट होता है उस बच्चे के सामने उस टैलेंट के साथ साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम भी फेस होती है, जैसे कि घर परिवार की, समाज की। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई इस बच्चे के अंदर टैलेंट है, उसको आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग उसमें से पीछे बोलते हैं कि नहीं भाई, ये उस समझ में नहीं आता, ये समाज में नहीं आता। अक्सर आपने कहीं ना कहीं ये चीज़ें सुनी होगी कि भाई किसी की लड़की आगे बढ़ना चाहती है, जैसे कि आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, पुलिस में, आर्मी में, तो ये लड़कियाँ ये कैसे कर सकती हैं, ये लड़कियाँ कैसे आगे बढ़ सकती है, लड़कियों को शादी के बाद में बस झाड़ू पोछा चौका करना है, यही आम लोगों की बात रहती है, और लड़कियों को पढ़ाई बहुत कम जाता है इस हिसाब से। लेकिन अब सोच बदल चुकी है, जिन बच्चों के अंदर टैलेंट है उनका टैलेंट बाहर आ रहा है, जिनको जो बनना है वो बनने की कोशिश कर जा रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। आज का भारत विकसित भारत है, इस भारत को एक अलग नज़रिए से देखा जा सकता है, ये वो भारत है, ये उभरता हुआ भारत है। लेकिन इस भारत में आज भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गांव के एरिया में हैं, जैसे कि आप किसी का बच्चा डांस क्लास या मूवी या फिर आप फैशन शो में जाना चाहता है तो उसमें इस तरीके से उसको नज़र से देखा जाता है कि ये बच्चा क्यों आगे जाना चाहता है, क्या वजह है, सो बातें होती हैं गाँव में, खुसर स्टार्ट हो जाती है, समथिंग ऐसा ही है। लेकिन आज जिस जगह पर मैं बैठा हूँ वहाँ पर मैं बात करने के लिए आया हूँ, एक ऐसा बच्चा है जिसने घर पर TV ना होते, फ़ोन ना होते, रेडियो ना होते हुए दूसरों के घर में जा जा के TV देखा, मोबाइल पे गाने सुने, उसके बाद में घर में मोबाइल आया, उसी पड़ोसी के यहाँ जा जा के देख देख के डांस सीखा, धीरे धीरे करके बर्थडे में स्कूल में भाग लेने लगी लड़की है, और धीरे धीरे करके इसने उस मुकाम तक पहुँचने की कोशिश करी। लेकिन यहाँ भी उसके सामने घर वालों की यही चीज़ें फेस करने को मिला कि ये लड़की आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन इस लड़की ने सारी बंदिश तोड़ते हुए, सबकी सब कुछ करते हुए उस लड़की ने उस मुकाम को हासिल किया, और आज उसके साथ में उसका पूरा परिवार खड़ा हुआ है, और उसने काफ़ी काफ़ी जगह पे अपना हुनर दिखाया, टैलेंट दिखाया, और कहीं जगह कॉम्पिटिशन में लड़ने के लिए भी गई है। तो आइए सुनते हैं उसी की बात और उसी की जुबान सुनेंगे, जानते हैं उसका क्या नाम है और उसने यहाँ तक आने के लिए कितना संघर्ष करा है और कितनी प्रॉब्लम उन्होंने फेस की है। तो आइए मिलवाते हैं उस लड़की से और बात करते हैं कि उसने इस चीज़ की शुरुआत करी थी और कितना संघर्ष किया। तो स्वागत है हमारे चैनल में। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम ज्योति है। तो कुछ बताइए अपने बारे में, आपने ये डांस की शुरुआत कैसे करी थी और ये डांस की रुचि आपका किस तरफ से रुझान हुआ आपके बड़ा डांस के, आपको लगी डांसर बनना चाहिए या डांस करना चाहिए? हाँ, बचपन से ही मुझे बहुत शौक था डांस करने का, और जैसे जैसे कि हम आस पड़ोस में जाते थे वहाँ पे देखते थे कि TV चलता था, वहाँ पे ऋतिक रोशन और गोविंदा जी की मूवी वगैरह आती थी, सॉन्ग आते थे, तो मैं उनको देख देख के कॉपी करा करती थी, उनके गाने सुन सुन के। फिर धीरे धीरे मैं स्कूल में जाने लगी, स्कूल में परफॉर्मेंस वगैरह होती थी तो उसमें पार्टिसिपेट करती थी, फिर उसके बाद जो टीचर्स वगैरह थी उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, बट ये सारी बातें मेरी फैमिली वालों को पसंद नहीं थी, क्योंकि जो मेरा बैकग्राउंड है वो बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करती हूँ मैं, तो मेरी फैमिली वालों ने ऊपर से थोड़े आस पड़ोस के जो लोग थे वो बोलते थे कि जो डांसर लड़की नहीं डांसर बन सकती, क्योंकि डांस में कुछ लोग डांस को ना बहुत अलग अलग तरीके से लेते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं अगर आपकी लड़की डांस में जाएगी तो ये सही नहीं होगा, क्या पता कब क्या हो जाए इसके साथ। तो उन्होंने बोला नहीं अगर आपकी लड़की डांसर बनना है तो सही नहीं होगा ये। तो मेरी फैमिली मेरी अगेंस्ट थी कि डांस नहीं करना है, तुम कुछ और कर लो, हम उसमें तुम्हारा सपोर्ट करेंगे पर डांस नहीं करना। बट फिर भी मेरे पापा ने डांस स्कूल में जाके मना कर दिया कि आपकी बच्ची पार्टिसिपेट करती है ना, मत करने दिया करो, और हम नहीं चाहते कि मेरी बच्ची डांस करे। बट मैं अपने पापा से छुप छुप के, अपने फैमिली वालों से छुप छुप के डांस करती थी। फिर धीरे धीरे मैं कॉम्पिटिशन वगैरह में जाने लगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे जब मैं कॉम्पिटिशन में जाने लगी तो मैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे ऐसी पोजिशन पर आती थी, तब मैं अपने घर वालों का के बताती थी, तो कहते ठीक है नॉर्मल है, बट बेटा आगे जाके मत करियो, ये तेरे काम नहीं आएगा, आगे तो बस वही आता है शादी के बाद झाड़ू वगैरह पोछा बर्तन ये सब ही आते हैं। तो फिर भी पर ये है ना कि समय को बदलते हुए देर नहीं लगती, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, मेरी जो कॉम्पिटिशन वगैरह है होने लगे। फिर जब मैं एक बार
पिछले ही साल जब मैं गई थी कंपटीशन में, मैं फर्स्ट पोजीशन पे आई थी। मैंने घर पे आके बताया तो सब बहुत खुश हुए। धीरे धीरे करके उन सब ने मेरा सपोर्ट करना शुरू कर दिया, पहले मम्मी, फिर पापा, फिर धीरे धीरे सब फैमिली वाले आ गए। अब सब मेरे साथ हैं और मैं अभी भी आगे आगे कॉम्पिटिशन में जा रही हूँ और सब मेरा सहयोग कर रहे हैं। जब आपने बताया कि मैंने फर्स्ट प्राइज पाया है, तो घर का रिएक्शन क्या था, रिएक्ट क्या था कि अचानक से जब कोई बच्चा आगे बढ़ता है उनको पता चल जाए कि हमारा लड़का फर्स्ट प्राइज पाया है, तो उनका रिएक्शन क्या था उस समय पे? जी बहुत अच्छा था। मेरे जो मेरे फादर साहब हैं उनके खुशी के मारे आंसू निकल आए थे, मेरे बड़े भाई भी खुश हो गए थे, भाभी भी बहुत खुशी थे। कुल मिला के हमारी फैमिली का बहुत अच्छा रिएक्शन था। जो मेरे बीच वाले भैया थे, फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे ट्रीट दी कि यार मेरी बहन जो है डांसर बनी है, और बहुत ही खुशी का माहौल था उस टाइम पे। तो उसके बाद में कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होती है, जैसा आप बता रहे हो कि पहले से कुछ घर में टीवी नहीं था, फ़ोन नहीं था, तो इस तरीके से रुझान मतलब फिर भी कि गोविंदा की ऋतिक रोशन की मूवी देख के, डांस देख के, तो इसका लगाव उनका कैसे मतलब बढ़ा है, आपका लगाव किस कैसे बढ़ा आपका लगाव उनकी तरफ, डांस की तरफ? गोविंदा और ऋतिक रोशन जो है उनकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और उनकी डांस कॉपी कर करके मतलब मुझे डांस में आई रुचि आई, डांस स्टेप देख देख के मतलब। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। गोविंदा की अक्सर आप मूवी देखते हो या ऋतिक रोशन साहब की या गोविंदा जी की? जी दोनों की। ये रुचि उनकी मूवी देखने से आई, उसे पहले से रुचि था कि मैं डांस करूँ या अपने डांस करने का शौक है या मैं डांस करना चाहती हूँ? जी ये बचपन से शौक है मेरा कि मैं डांसर बनना चाहती हूँ, बट उनकी मूवी देख के, उनके परफॉर्मेंस देख देख के मुझे मोटिवेशन मिलता रहा कि हाँ मैं आगे बढ़ सकती हूँ, लगना चाहिए कि हाँ मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ। मैं अच्छी बात है, वैसे जो गोविंदा ऋतिक रोशन डांसर अच्छे हैं, तो आपकी उनकी सबसे फेवरेट मूवी कौन सी है आपकी गोविंदा की? फेवरेट सारी अच्छी लगती है क्योंकि वो मेरे फेवरेट हीरो हैं, और ज़्यादातर उनकी सारी मूवी बहुत सुपर हिट रही हैं और सारी मूवी मैंने देखी है उनकी। और जो ऋतिक रोशन हैं उनके डांस मूव बहुत अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे सब कुछ है सब। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आज भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, और टैलेंट को सिर्फ आगे थोड़ा और थोड़ा सा रास्ता दिखाने की जरूरत है, थोड़ा सा उसको मोटिवेशन की जरूरत है। आज हमारा भारत देश जो है इतना आगे बढ़ रहा है, इतना तरक्की कर रहा है कि आज हमारी जो लड़कियां हैं और जो हमारी महिलाएं हैं राष्ट्रपति हैं, आज हमारे देश की महिला पायलट हैं, आज हमारे देश की महिला जो हैं एयरफोर्स में हैं, आर्मी में है, पुलिस में, हर जगह हमारे देश की लड़कियां तरक्की कर रही हैं, और आशा करता हूं ऐसी हो। और जो लड़की ने बताया कि इतना कुछ होने के बावजूद भी आज लड़की ने यहां तक मुकाम हासिल किया, मैं भगवान से दुआ करूंगा कि ये बहुत आगे जाए और इसको जो कॉम्पिटिशन है आने वाले समय में वो जीते ये, और इसको इसके माता पिता गर्व महसूस करें कि हाँ हमारी लड़की ने ऐसा कुछ करा है। हीरा हमेशा कोयले की खान से निकलता है और कमल हमेशा कीचड़ में से खिलता है, तो यही बात है कि टैलेंट हमेशा गली चौराहे नुक्कड़ से ही निकलता है। चाहे आप कितने बड़े लोगों को देख लीजिए, वो हर छोटे से गांव से निकल के आता है टैलेंट। हर एक खिलाड़ी को देख लो, हर डांसर को देख लो, वो टैलेंट हमेशा झुग्गी झोपड़ी गांव बस्ती से निकल के आता है, जिसको सिर्फ तराशने की जरूरत होती है, जिसको हम जैसे चैनल के माध्यम से या आप सब जनता के सहयोग से मौका मिले इसको आगे बढ़ने का, तो ऐसे टैलेंट बाहर निकल के आता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि फिर कहूँगा दोहराऊँगा कि कोयले की खान से हीरा निकलता है।